हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आई हूँ आपके पास एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी का जो नाम है वो गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ मैं, काले गुलाब जामुन। ये स्वीट डिश है। आपने बहुत गुलाब जामुन देखे होंगे, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम कोई स्वीट डिश मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं अपनी मम्मा के साथ मिल के ये गुलाब जामुन बनाऊँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुलाब जामुन, आप देख रहे हैं अशोका गुलाब जामुन मिक्स, ये है एक पैकेट का है ये, ये हाफ है, हाफ केजी का है ये। और मैंने कुछ ये लिए हैं, छोटी इलायची है, काजू है, बादाम है। और ये इस कप से मैंने 3 कप चाशनी बनाने के लिए चीनी यूज़ कर रही हूँ मैं इस कप से। तो चलिए अब चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए अब चलते हैं गैस के पास। फ्रेंड, ये मैंने इस कप से 3 कप मैंने चीनी डाली है इसमें चाशनी में, और मैंने जो पानी लिया है वो 1.5 कप लिया है इस कप से, ठीक है। अब पहले हम चाशनी बना लेते हैं। ये मैंने डाल दिया है इसमें, गैस ऑन कर देते हैं। अब चाशनी पहले हमारी तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। अब हम इसको एक प्लेट थाली में ले लेते हैं दो तैयार करने के लिए। मैंने पूरा डाल दिया है। एक कप दूध लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के डो को तैयार करूंगी। मैंने दूध का यूज किया है, 1 कप दूध है। पानी भी थोड़ा सा यूज करूंगी मैं, जितना मैंने दूध लिया है। दूध से इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है और सॉफ्टनेस भी रहती है। इसी कप से मैं पानी वाटर पानी भी लूंगी। पानी और दूध दोनों से मैंने मिक्सचर तैयार करना है दो को अपनी। बहुत ही सिंपल होता है। पानी हल्का कम लेंगे। देखिए मेरा डो तैयार हो चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे सिंपल सी। आइए इधर देखते हैं, मेरी चाशनी भी तैयार है। जैसे एक फोटो लेता है ना कैमरा, वैसे नहीं है। मैंने चाशनी में इसमें, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई, मैंने इसमें छोटी इलायची जो मैंने दिखाई थी वो मैंने ऐड कर दी है चाशनी में। ये देखिए हो रहा है मेरी चाशनी। चलिए अब छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। अब देखिए हम इसकी इसको शेप दे देंगे, गोल शेप। इसमें हम काजू ऐड कर लेते हैं बीच में, जिसके मैं 2 पीसेस करूंगी। आपकी मर्जी, आप ऐड भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो। मैंने इसमें ऐड किया है काजू,
उसको फिर ऐसे ही बंद कर लेंगे। ऐसे शेप दे देंगे सारे। इसमें काजू डाल देंगे। अब ऐसे ही हम सारी गोलियां ऐसे तैयार कर लेंगे। एक दूसरा प्लेट ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरी चाशनी तैयार हो चुकी है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। 15 से 20 मिनट्स लगे हैं चाशनी को तैयार होने में। और ये जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये छोटी इलायची के पार्टिकल हैं। अब हम गुलाब जामुन को तैयार करके उसको भी फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ तैयार कर रही हैं, कुछ मेरी मम्मा भी तैयार कर रही हैं। जो शेप हमने गोल गोल रसगुल्ले गुलाब जामुन का दिया है, और अब इनको हम तलने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, ये गर्म हो जाएगी। फिर इसमें हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे तलने के लिए। फिर मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने रिफाइंड, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, मैंने रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया है इसमें। मैंने कोई मेज़रमेंट करके नहीं लिया है रिफाइंड ऑयल, आप अपने अनुसार ले सकते हैं, मैंने अपने अनुसार लिया है। चलिए अब इसमें ऑयल को गर्म होने देते हैं। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद फिर हम इसमें एक एक करके डालेंगे गुलाब जामुन को। देखिए मेरा ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें मेरी मम्मा अब इसमें मेरी मम्मा डाल रही हैं। इसको हम मीडियम आंच में फ्राई करते हैं, नहीं तो इसको बहुत हीट हो गया तो जलने का डर रहता है। तो इसको मीडियम आंच में ही हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे, चलाते रहेंगे ऐसे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल लिया मेरी मम्मा ने। ये मेरी फेवरेट डिश है फ्रेंड, गुलाब जामुन मुझे बहुत बहुत पसंद है। I like it। और घर पे तो और भी मज़ा आता है मम्मा के हाथों का। घर पे आई हूँ तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है मुझे मम्मी से। देखिए फ्रेंड, ये मेरा किचन है। देखिए मेरी किचन में धूप आ रही है। देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन होने तक हो जा रहा है। मम्मा चला रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये मीडियम आंच पे ही इसको फ्राई किया तला जाता है। इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए फ्रेंड, इस ये जब हम इसका शेप देते हैं ना,
गोल जो आकार देते हैं इसका, उस टाइम ध्यान देना चाहिए कि फटना नहीं चाहिए। अगर उसमें उस वक्त क्रैक आएगा तो यहाँ पे फिर आपका गुलाब जामुन फटने का डर रहता है, बीच से वो क्रैक हो जाता है। जैसे कि आपको बैकग्राउंड में भी मिठाइयाँ दिख रही होंगी, गुलाब जामुन है, उसमें सोहन पापड़ी है, खीर बनी हुई है और कुछ मिठाइयाँ और भी हैं जो मिक्स मिठाइयाँ हैं। ये मेरी किचन का व्यू है और हम भी गुलाब जामुन ही बना रहे हैं आज। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ घर आई हूँ तो मम्मा जो जो बनाती हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए मुझे, इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ें, ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ प्लीज़, और लाइक का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। लाइक तो बनता है ना मम्मा की रेसिपी के लिए। देखिए फ्रेंड, अब हम इसको चाशनी में ऐड कर रहे हैं, गुलाब जामुन को डाल रहे हैं। अब 15-20 मिनट्स तक इनको ऐसे ही डिप करके रखेंगे, फिर उसके बाद में आपको गर्मा गर्म गुलाब जामुन सर्व करते हुए दिखाऊंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। देखिए फ्रेंड, देखिए मैंने सर्व कर दिया है गुलाब जामुन, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।